तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है ये मोट्यूल का 5100 वाला जो मॉडल है, और ये सेमी सिंथेटिक ऑयल है, ग्रेड आप देख सकते हैं 10W30 है। और इस ऑयल के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि इस ऑयल को हम स्प्लेंडर में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। इसी तरह का एक जो कमेंट है मेरे पास आया था, एक भाई ने पूछा है कि भाई इसको हम स्प्लेंडर में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में हम सारा डाउट क्लियर कर लेंगे, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस ऑयल का प्राइस का बात कर लेते हैं कि ये ऑयल का प्राइस कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्बे पे इसका जो प्राइस है वो 610 रुपये लिखा हुआ है, और इसको हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था तो ये हमको टोटल 560 रुपये का पड़ा था। 555 रुपये इस ऑयल का प्राइस था और 5 रुपये जो है फ्लिपकार्ट वालों ने हैंडलिंग फ़ी लिया था। तो ये तो हो गया प्राइस का बात। अब हम बात कर लेते हैं कि स्प्लेंडर में इसको डालना चाहिए या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल भी आप इसको डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस जो है एकदम नेक्स्ट लेवल का निकल के आएगा। हमने अपने गाड़ी में दो सर्विस जो है वो सिर्फ सर्विस सेंटर से कराया था, उसके बाद बाकी का जितना सर्विस हुआ है उस सर्विस में जो है सारा का सारा जो मतलब सर्विस हुआ है उसमें इसी ऑयल को हमने यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपका गाड़ी वारंटी पीरियड में है तो उस केस में जो है आप इस ऑयल को बिल्कुल भी मत डालिएगा। ये वाला ऑयल क्या किसी भी ब्रांड का ऑयल अब जो है आप बाहर से मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आपका गाड़ी वारंटी पीरियड में है और आपने कहीं बाहर से किसी दूसरे ब्रांड का इंजन ऑयल अपने गाड़ी में डाल दिया, तो उस केस में जो है आपके गाड़ी का वारंटी ख़त्म हो सकता है। ख़त्म हो सकता है क्या, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का एक पॉलिसी रहता है कि जब भी कंपनी आपको वारंटी प्रोवाइड करवाता है तो उस केस में जो है कंपनी हर एक चीज़ जो है आपको सर्विस सेंटर से लगवाने के लिए बोलता है, मतलब के जो अथोराइज सर्विस सेंटर है जिस भी कंपनी का आपके पास गाड़ी है तो उसी के सर्विस सेंटर में से आपको जो है हर एक चीज़ चेंज करवाना पड़ता है। इंजन ऑयल भी जो है वहीं से आपको चेंज करवाना पड़ता है जब भी आपका गाड़ी जो है वारंटी में रहता है। तो अगर आपका गाड़ी वारंटी में है और उस केस में अगर आप इस ऑयल को डलवाना चाहते हैं तो ऐसा मत करिएगा, आपके गाड़ी का जो है वारंटी ख़त्म हो जाएगा। परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं, तो परफॉर्मेंस में तो आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, एकदम नेक्स्ट लेवल का जो है परफॉर्मेंस निकल के आता है इस ऑयल को डालने के बाद। आप एक बार डालिए इस ऑयल को, उसके बाद गाड़ी चलाइए, गाड़ी एकदम स्मूथ चलता है, इंजन से जो है एकदम स्मूथनेस नेक्स्ट लेवल का निकल के आता है। लेकिन यही चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका गाड़ी वारंटी पीरियड में है तो उस केस में इस इंजन ऑयल को मत डालिएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको वारंटी से कोई लेना देना नहीं है, आपका गाड़ी वारंटी में है, फिर भी आप इस इंजन ऑयल को डालना चाहते हैं, जैसे कि मैंने किया था, मेरा गाड़ी वारंटी में था फिर भी हमने वारंटी का कोई भी परवाह नहीं किया, इस ऑयल को बेझिझक डाल दिया। वैसे तो अब तो हमारे गाड़ी का जो है वारंटी ख़त्म हो गया, क्योंकि 6 सर्विस जो हुआ है सर्विस सेंटर के बाद जो जितना भी सर्विस हुआ है तो उसमें हमने इसी ऑयल को डाला है, तो मेरे गाड़ी का तो वारंटी ख़त्म हो गया है। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको वारंटी मिले तो आप कंपनी वाला ही इंजन ऑयल डालिए, और जब आपके गाड़ी का वारंटी ख़त्म हो जाए तो फिर इस ऑयल की तरफ आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, बाकी आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक न्यू फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें और राइडिंग के टाइम हेलमेट लगाना ना भूलें।